जब विनाश निकट आता है राजा, तो सर्वप्रथम व्यक्ति का विवेक ही हर लेता है। ये युधिष्ठिर का कर्म था कि वो इस खेल को अभिमान का प्रश्न न बनाए। युधिष्ठिर ने नीति से नहीं सोचा, अब यदि मैं हस्तक्षेप करता हूँ तो नियति ही बदल जाएगी राजा। अब तुम क्या करोगे कृष्ण? प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है और जिसे वचन दिया है उसकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्म है। दुर्योधन, यह अनुचित है। एक खेल पांडवों के भाग्य का निर्णायक नहीं हो सकता। ये कायरता है दुर्योधन। खेल में जय पराजय से न्याय नहीं हो सकता। युद्ध और द्यूत एक समान होता है और युद्ध की भांति द्यूत भी भाग्य का निर्णायक होता है। पांडवों ने यह द्यूत क्रीड़ा अपनी इच्छा के अनुसार खेला और जो कुछ भी दांव पर लगाया उसके लिए उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया। तो फिर आप सब लोग इस हार से क्यों डर रहे हैं? पांडवों ने जो कुछ भी हारा, आज से वो सब कुछ मेरा है। सब तुम्हारा, मैं पराजय स्वीकार करता हूं। जा रहे हो भ्राता युधिष्ठिर, किंतु कहां जाओगे? इंद्रप्रस्थ तो तुम्हारा है ही नहीं। ओह, पंचाल नरेश, शायद वो तुम्हें शरण दे दे। जाओ जाओ, वहां जाकर घरमय बन जाओ। चलो एक अंतिम दाव खेलते हैं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है लगाने के लिए।